हेलो एवरीवन, वेलकम टू अबीपीडिया। आई एम रोशनी गौतम और आज हम क्लास में देखेंगे सेबी ग्रेड एग्जाम्स के लिए मॉनेटरी पॉलिसी के एमसीक्यूज। मॉनेटरी पॉलिसी के जितने भी एमसीक्यूज हैं उसके साथ हम कंसेप्ट को भी डिकोड करेंगे। चलिए स्टूडेंट, ये इकोनॉमी सब्जेक्ट से आपका है मॉनेटरी पॉलिसी, अपने आप में ही बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इसको मैं क्वेश्चन के जरिए आपको सारे कंसेप्ट को क्लियर करूँगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला वेरी फर्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, इसका जवाब जो भी होगा, इसका आंसर जो भी होगा, आप कमेंट सेक्शन में लिखिएगा। तो क्या है क्वेश्चन? फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सेलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग द मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी एमपीसी के रिगार्डिंग, क्या स्टेटमेंट सही है? ऑप्शन वन है, द मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी वॉज एस्टेब्लिश बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इन अगस्त 2015 में। फिर सेकेंड ऑप्शन है, द टर्म ऑफ मेंबर ऑफ एम पी सी इज 3 ईयर एंड री अपॉइंटमेंट इज नॉट अलाउ। द एम पी सी इज रिस्पॉन्सिबल फॉर डिटरमाइनिंग, ओके, एम पी सी इज रिस्पॉन्सिबल फॉर डिटरमाइनिंग द पॉलिसी रेट टू अचीव द इन्फ्लेशन टारगेट सेट बाय द गवर्नमेंट। क्या आंसर हो सकता है? तो चलिए इसको आंसर को डिकोड करते हैं, क्या आंसर होगा। ओके, तो आंसर बात करें तो पहला स्टेटमेंट गलत है। ऐसा क्यों? क्योंकि ये 2016 में एमपीसी पॉलिसी, मतलब एमपीसी कमेटी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा बनाया गया। इसमें 6 मेंबर कमेटी है, ओके, इसमें 6 मेंबर है। एमपीसी जो है वो 6 मेंबर कमेटी है ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में, जिसमें 3 जो मेंबर होते हैं वो आरबीआई से होते हैं और जो 3 होते हैं वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से होते हैं, ओके। तो एमपीसी कमेटी 2016 में, ना कि 2015 में आया है। यह स्टूडेंट, ये 3 ईयर के लिए अपॉइंट होते हैं और रीअपॉइंटमेंट अलाउ नहीं है। ये क्या करते हैं? बेसिकली ये रिस्पॉन्सिबल होते हैं ताकि इन्फ्लेशन टारगेट, अभी आप देख ले रहे होंगे या न्यूज़ में अभी करेंटली एमपीसी की मीटिंग हुई थी और इसमें रेपो रेट, ओके, 6 टाइम से बात करें तो रेपो रेट अभी अनचेंज हुआ है। क्यों? क्योंकि इन्फ्लेशन आपको इकोनॉमी में देखने को मिल रहा है। तो ये क्या करते हैं? इन्फ्लेशन के टारगेट्स को, ओके, टारगेट क्या है? -2 और +4 के बीच में रखना, ये आरबीआई का टारगेट है। और वैसे अगर हम बात करें तो इन्फ्लेशन 2 से 6% के बीच में रहना चाहिए। तो ये क्योंकि लैग होता है इकोनॉमी में, तो हम 6% पर काम नहीं करेंगे, हम 4% से ही काम करेंगे, तब जाके हम 6% पर अचीव कर पाएंगे अपने इन्फ्लेशन के टारगेट्स को। तो यहाँ पर जो टारगेट्स होते हैं वो आपके इकोनॉमी में जो प्राइस है, इतने प्राइस लेवल रहे इस टारगेट को अचीव करने के लिए एमपीसी कमेटी बनाई गई और ये रिस्पॉन्सिबल होते हैं। और इन्होंने बहुत सिग्निफिकेंट, अगर आप देखोगे कि इकॉनमी में, अगर हम 2022 दिसंबर 2022 से देखें तो इन्फ्लेशन बहुत आपको देखने को मिल रहा है और बहुत सिग्निफिकेंटली इन्होंने काम किया। और अगर अभी सिनेरियो देखें तो इन्फ्लेशन कंट्रोल में हुआ है, ओके। तो चले नेक्स्ट, इसमें देखिए स्टूडेंट, तो इनकरेक्ट है क्योंकि ये 2016 में आई थी और ये 3 ईयर के लिए अपॉइंट होते हैं, रीअपॉइंटमेंट अलाउ नहीं होते हैं, रिस्पॉन्सिबल होते हैं कि इन्फ्लेशन कंट्रोल लेवल में रहे, ओके। तो ये एक्सप्लेनेशन है, आपको एक्सप्लेनेशन भी मिल जाएगा पीडीएफ के थ्रू। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्शन वुड बी कॉन्ट्रीब्यूट टू एन इंक्रीज इन मनी सप्लाई इन द इकॉनमी। कौन सी ऐसी एक्टिविटीज़ है जिससे मनी सप्लाई इकॉनमी में इंक्रीज होता है? ऑप्शंस देखते हैं, अ डिपॉजिट ऑफ करेंसी इन कमर्शियल बैंक बाय द पब्लिक। अगर कमर्शियल बैंक में पब्लिक डिपॉजिट करने, उससे मनी सप्लाई इंक्रीज होगा। बोरोइंग बाय द गवर्नमेंट फ्रॉम द सेंट्रल बैंक, अगर गवर्नमेंट बोरो कर रहे हैं आरबीआई सेंट्रल बैंक से, तब होगा। थर्ड है, परचेज ऑफ गवर्नमेंट सिक्योरिटीज फ्रॉम द पब्लिक बाय द कमर्शियल बैंक। परचेज ऑफ गवर्नमेंट सिक्योरिटीज या सेल होगा या परचेज होगा, इसमें बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन होता है, मैं आपको बताऊँगी। तो पहले देखते हैं यहाँ पर डिपॉजिट, अगर पब्लिक डिपॉजिट कर रही है कमर्शियल बैंक में, जिससे मनी सप्लाई कम होगा, ना कि मनी सप्लाई ज़्यादा होगा, क्योंकि वो अपनी लिक्विडिटी, मतलब कैश इन हैंड क्या कर रहे हैं, वो बैंक में डिपॉजिट कर रहे हैं, जिससे मनी सप्लाई कम होगी।
बोरोइंग बाय द गवर्नमेंट ओके फ्रॉम द सेंट्रल बैंक. यस, अगर गवर्नमेंट बोरो कर रहे हैं इट मीन्स वो मनी सप्लाई इंक्रीज करेंगे. मनी सप्लाई इंक्रीज क्यों करेंगे? क्योंकि एक्सपेंडिचर करेंगे जिससे लोगों में जो इनकम है वो इंक्रीज होगा, तो इससे भी मनी सप्लाई इंक्रीज होगा. परचेज ऑफ गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, व्हाट यू मीन बाय परचेज? मतलब कि मान लीजिए जो सर्टिफिकेट है वो पब्लिक के पास है और वो परचेज किया जा रहा है, ओके, पब्लिक से लिया जा रहा है गवर्नमेंट के द्वारा, ओके, यहीं पर लिखा हुआ ना, परचेज ऑफ गवर्नमेंट सिक्योरिटीज फ्रॉम द पब्लिक, पब्लिक से परचेज किया जा रहा है सिक्योरिटीज बाय द कमर्शियल बैंक. अगर वो परचेज कर रहे हैं इट मीन्स वो सर्टिफिकेट जो पब्लिक के पास है वो अपने पास ले रहे हैं और उसके बदले में वो क्या दे रहे हैं? कैश दे रहे हैं, और कैश दे रहे हैं जिससे मनी सप्लाई इंक्रीज होगा, राइट. तो अगर परचेज करते हैं तो मनी सप्लाई इंक्रीज होता है, और अगर सेल करते हैं तो मनी सप्लाई डिक्रीज होता है. इसको नोट कर लीजिएगा, इन केस ऑफ परचेज मनी सप्लाई इंक्रीज, इन केस ऑफ सेल ऑफ गवर्नमेंट सिक्योरिटीज मनी सप्लाई रिड्यूस. तो आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा? 2 and 3, ओके, फर्स्ट नहीं होगा. नेक्स्ट क्वेश्चन चलेंगे, ये आपके पास एक्सप्लेनेशन है, इसको देख लीजिएगा. नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, असर्शन रीजन से क्वेश्चन है, द स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटीज. जब भी आप अभी मॉनेटरी पॉलिसी की आप रिपोर्ट देखोगे तो अब आपको RRR रिवर्स रेपो रेट की प्लेस में आपको STF मीन्स स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी देखने को मिल रहा होगा. अब ये क्या है? स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी वॉज इंट्रोड्यूस टू ऑब्जर्व लिक्विडिटी विद द कोलेट्रल. हाँ, क्या होगा आंसर दीजिएगा? इट रिप्लेस द फिक्स रेट रिवर्स रेपो रेट एज द फ्लोर ऑफ लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी कॉरिडोर. ओके, तो यहाँ पर दो स्टेटमेंट है, आपको आंसर देना है. तो पहला स्टेटमेंट की बात करें स्टूडेंट, तो ये STF पहले होता क्या था कि RR, अगर एक्सेस मनी सप्लाई हो जाता था इकोनॉमी में तो RBI मतलब सेंट्रल बैंक कमर्शियल बैंक से जो लिक्विडिटी उसके पास जो मनी होता था वो ले लिया जाता था. उस रेट पर, किस रेट पर लिया जाता था? रिवर्स रेपो रेट, ओके, जो कि चार्ज करता था बैंक, और RBI इसके बदले में कोलेट्रल रखता था. लेकिन क्योंकि अभी आप सिनारियो देखेंगे इकोनॉमी में तो मनी इन्फ्लेशन बहुत है, तो RBI बहुत कोलेट्रल नहीं रख सकता, इसीलिए एक टर्म इंट्रोड्यूस किया गया, स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी. बट जो रिवर्स रेपो रेट में विथ कोलेट्रल, मतलब कि RBI को रिवर्स रेपो रेट के बदले कोलेट्रल रखना पड़ता था, लेकिन STF के बदले कोलेट्रल मतलब कोई भी गिरवी चीज़ नहीं रखनी पड़ती है. याद रखिएगा, RRR मतलब रिवर्स रेपो रेट विथ कोलेट्रल था, लेकिन STF विदाउट कोलेट्रल है, तो ये स्टेटमेंट गलत हो जाता है. यस, इसने रिप्लेस किया, STF रिप्लेस किया है रिवर्स रेपो रेट को. ओके, चलिए, तो स्टेटमेंट आपका क्या हो जाएगा? फर्स्ट इज फ्लो फॉल्स एंड सेकेंड इज ट्रू. समझ आया? यहाँ पर जब एक्सेस लिक्विडिटी हो जाती है इकॉनमी में, बहुत मनी सप्लाई हो जाता है, उसको कम करने के लिए, उसको ऑब्जर्व करने के लिए जो RBI है वो कमर्शियल बैंक से मनी बोरो करती हैं, और रेट चार्ज करता है जो बैंक वो होता है रिवर्स रेपो रेट, जो कि विथ कोलेट्रल था, लेकिन अब STF देखेंगे तो विदाउट कोलेट्रल है. और यहाँ पर एक इंटरेस्टिंग चीज़ ये है स्टूडेंट, जो रिवर्स रेपो रेट था वो मिनिमम रेट था, बहुत कम. आप सारे रेट में देखेंगे तो रिवर्स रेपो रेट बहुत मिनिमम रेट था, लेकिन STF देखेंगे तो रेपो रेट की तरह ही है. ओके, रेपो रेट बैंक रेट की तरह ही है. ओके, तो चलिए, ये आपके पास आंसर है. हाँ, यहाँ पर देख लेते हैं STF किसके द्वारा, ओके, किसके द्वारा? पहले तो आपको ये पता होना चाहिए, स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटीज ये है ऑब्जर्व लिक्विडिटी. ओके, ऑब्जर्व लिक्विडिटी शेड्यूल कमर्शियल बैंक जो हैं वो देती हैं, लेकिन विदाउट कोलेट्रल देती हैं. ओके, इट इज़ अ लिक्विडिटी मैनेजमेंट इंस्ट्रूमेंट. जब मनी सप्लाई को कंट्रोल करना होता है तो ये सारी इंस्ट्रूमेंट जो है वो RBI करता है. इसको टूल्स ऑफ RBI या मॉनेटरी पॉलिसी भी बोलते हैं, राइट. STF इनिशियली किसके द्वारा रिकमेंड किया गया था? तो उर्जित पटेल कमेटी, जो कि 2014 में उन्होंने सजेस्ट किया था कि लिक्विडिटी मैनेजमेंट के लिए STF को इंट्रोड्यूस किया जाए, जो कि 2018 में
सेक्शन 17 आरबीआई एक्ट 1934 के तहत आया था। ओके, तो इसको नोट कर लीजिएगा। इन 2018 में सेक्शन 17 आरबीआई एक्ट 1934 में अमेंडमेंट के तहत ये एसडीएफ लाया गया फॉर द लिक्विडिटी मैनेजमेंट, राइट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 4, स्टेटमेंट 2 स्टेटमेंट है, इसको देखिए और कमेंट सेक्शन में आंसर देने की कोशिश करेंगे। वेरी फर्स्ट स्टेटमेंट है, परचेज ऑफ गवर्नमेंट सिक्योरिटीज बाय द कमर्शियल बैंक फ्रॉम द पब्लिक कैन लीड टू बी इंक्रीज इन मनी सप्लाई। जब गवर्नमेंट सिक्योरिटीज कमर्शियल बैंक लोगों से ले लेता है, जिसकी वजह से मनी सप्लाई इंक्रीज हो जाती है। सेकेंड ऑप्शन है, व्हेन द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया कंडक्ट अ रेपो रेट कट, इट इज लाइकली टू बी अनकरेज बोरोइंग एंड स्पेंडिंग इन द इकोनमी। क्या लगता है आपको, क्या आंसर होगा? तो अगर हम बात करें तो पहला स्टेटमेंट की बात करें, परचेज ऑफ गवर्नमेंट सिक्योरिटीज कौन कर रहा है? कमर्शियल बैंक। किससे कर रहा है? पब्लिक से कर रहा है। तो ऑब्वियस है, जब कमर्शियल बैंक लोगों से गवर्नमेंट सिक्योरिटीज ले लेगा, मतलब कि जो सर्टिफिकेट है वो ले लेगा, उसके बदले में वो मनी देगा, जिससे मनी सप्लाई इंक्रीज होगी। तो फर्स्ट स्टेटमेंट इज करेक्ट, बिल्कुल ठीक है। अगर इकोनॉमी में इन्फ्लेशन, इकोनॉमी में इन्फ्लेशन हो जाता है तो रेपो रेट को कट किया जाता है। यहाँ पर क्या है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया कंडक्ट अ रेपो रेट कट इज लाइकली टू बी अनकरेज बोरोइंग एंड स्पेंडिंग। अगर रेपो रेट, यहाँ पर क्या है, रेपो रेट, अच्छा पहले तो ये समझिए, व्हाट डू मीन बाय रेपो रेट। रेपो रेट वो रेट होता है जब कमर्शियल बैंक, ध्यान दीजिए, जब कमर्शियल बैंक आरबीआई से लोन लेता है और आरबीआई जिस रेट पर चार्ज करता है उसको हम रेपो रेट बोलते हैं। रेपो रेट को रीपरचेज रेट भी बोला जाता है। तो इसको कट किया जाता है, कट अगर आरबीआई पहले, आरबीआई पहले 5% ऑफ रेपो रेट चार्ज कर रहा था कमर्शियल बैंक पर, तो कट कर दिया, इट मीन्स 3% पर किया है। तो अब क्या होगा, कमर्शियल बैंक ज़्यादा लोन लेगा, वो ज़्यादा लोन लेगा तो लोगों को ज़्यादा कम रेट पर, वो भी आगे कम रेट पर देगा, जिसकी वजह से इकोनॉमी में बोरोइंग एंड स्पेंडिंग इंक्रीज होगी, अनकरेज होंगी, मतलब कि बूस्ट होंगी या इंक्रीज होंगी। तो बिल्कुल स्टेटमेंट सही है, बोथ स्टेटमेंट आर करेक्ट, बिल्कुल। जब परचेज करती हैं गवर्नमेंट सिक्योरिटीज कमर्शियल बैंक लोगों से, तो उससे मनी सप्लाई इंक्रीज होता है, बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। जब रेपो रेट कट, मतलब कि कम हो जाता है, जिससे कम रेट ऑफ इंटरेस्ट पे आरबीआई कमर्शियल बैंक को लोन देगा और आगे फर्दर कमर्शियल बैंक लोगों पब्लिक को लोन देगा कम रेट पर, जिससे स्पेंडिंग इंक्रीज होंगी, बोरोइंग इंक्रीज होंगी इकॉनमी में, बिल्कुल सही जवाब है, राइट। नेक्स्ट हम देखेंगे, नेक्स्ट स्टेटमेंट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द ट्रू रिगार्डिंग द रेपो एंड रिवर्स रेपो रेट। पहले आप इसका आंसर देने की कोशिश करेंगे, फिर मैं आपको समझाऊंगी कि रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट का मतलब क्या होता है। तो स्टेटमेंट देखते हैं स्टूडेंट, बोथ रेट इन्वॉल्व द सेल ऑफ गवर्नमेंट सिक्योरिटीज बाय द आरबीआई। रेपो रेट इज डिटरमाइंड बाय द बैंक व्हाइल रिवर्स रेपो रेट इज डिटरमाइंड बाय द आरबीआई। बैंक प्ले इंटरेस्ट टू पे, माफ कीजिएगा, पे इंटरेस्ट टू आरबीआई इन रेपो ट्रांजेक्शन एंड आरबीआई पे इंटरेस्ट टू बैंक इन रिवर्स रेपो रेट ट्रांजेक्शन। रिवर्स रेपो रेट इज हायर देन रेपो रेट। क्या लगता है, क्या स्टेटमेंट होगा? तो पहले मैं आपको समझाती हूँ रेपो रेट क्या होता है। रेपो रेट वो रेट होता है जब कमर्शियल बैंक आरबीआई से लोन लेता है और आरबीआई जिस रेट पर देता है उसको रेपो रेट बोलते हैं। रेपो रेट क्या लिया जाता है, शॉर्ट टर्म के लिए। मैक्सिमम लिमिट क्या है, 1 ईयर है रेपो रेट, याद रखिएगा, मैक्सिमम 1 ईयर। ये सिक्योरिटीज, मतलब कि जब कमर्शियल बैंक आरबीआई से लोन लेता है तो वो सिक्योरिटीज भी देता है, सिक्योरिटीज गवर्नमेंट सिक्योरिटीज आरबीआई से रखता है। रेपो रेट को हम रीपरचेज रेट के नाम से भी जानते हैं। अब रिवर्स रेपो रेट की बात करें तो रिवर्स रेपो रेट उल्टा ऑफ रेपो रेट, अपोजिट ऑफ रेपो रेट होता है। जब क्योंकि इकोनॉमी में बहुत एक्सेस लिक्विडिटी हो गई है तो आरबीआई कमर्शियल बैंक से सारी लिक्विडिटी को कम करने के लिए बोरो करती हैं।
उस रेट पर जब बैंक चार्ज करता है आरबीआई का आरबीआई को, तो उसको हम रिवर्स रेपो रेट बोलते हैं। लेकिन रिवर्स रेपो रेट और चीज़ों में आप देखेंगे तो बहुत इसका मिनिमम रेट होता है, आपको बहुत कम रेट दिखेगा। लेकिन उसके बदले में क्या आरबीआई कोलेटरल रखता है बैंक के पास? यस स्टूडेंट, रिवर्स रेपो रेट के बदले आरबीआई कोलेटरल रखता है। यस स्टूडेंट, ओके। तो बात करते हैं, स्टेटमेंट पढ़ते हैं। बोथ रेट इन्वॉल्व सेल ऑफ गवर्नमेंट सिक्योरिटीज। जब गवर्नमेंट सिक्योरिटीज को बाय और सेल किया जाता है, वो जो होता है वो होता है ओपन मार्केट ऑपरेशन। ओपन मार्केट ऑपरेशन ये भी क्वांटिटेटिव टूल्स है मॉनेटरी पॉलिसी की, जहां पर गवर्नमेंट सिक्योरिटीज बाय एंड सेल किया जाता है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट गलत हो जाता है, क्योंकि यहां पर तो रेपो एंड रिवर्स रेपो रेट की बात कर रहे हैं। सेकेंड स्टेटमेंट है, रेपो रेट इज डिटरमाइंड बाय आरबीआई, है ना, आरबीआई डिटरमाइन करता है, वाइल रिवर्स रेपो रेट इज डिटरमाइंड बाय द बैंक। ये भी उल्टा स्टेटमेंट उल्टा है। फिर बात करते हैं बैंक रेट इंटरेस्ट टू आरबीआई इन रेपो ट्रांजेक्शन। ओके, बैंक रेट बैंक पे, ओके, बैंक पे इंटरेस्ट टू आरबीआई, बिल्कुल स्टेटमेंट सही है। जब रेपो रेट, ओके, रेपो रेट जब लिया जाता तो बैंक पे करता है किसको? आरबीआई को, बिल्कुल स्टेटमेंट सही है। आरबीआई पे इंटरेस्ट टू बैंक इन रिवर्स रेपो रेट, यस आरबीआई पे करता है बैंक को इन केस ऑफ रिवर्स रेपो रेट, बिल्कुल स्टेटमेंट सही है। रेपो रेट नॉर्मली लो होता है ना, लो मतलब कि लेस, लेस देन, हायर देन नहीं, लेस देन रेपो रेट। रेपो रेट आपको बहुत हाई दिखेगा, लेकिन रिवर्स रेपो रेट आपको लो दिखेगा, ठीक है। तो स्टेटमेंट थर्ड इट सी ऑप्शन इज करेक्ट एंड सारे स्टेटमेंट गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे स्टूडेंट, एक्सप्लेनेशन है यहाँ पर, आप देख लीजिए। ओके, चलो इसका आंसर दिख गया, बट हम इसको देख लेते हैं क्या है। स्टेटमेंट वन है, रेपो रेट इज डिटरमाइंड बाय द आरबीआई इन्वॉल्व रीपरचेजिंग गवर्नमेंट सिक्योरिटीज फ्रॉम द बैंक कॉन्ट्रीब्यूटिंग द इंजेक्शन ऑफ लिक्विडिटी इन द बैंकिंग सिस्टम। कैश रिजर्व रेशियो इज अ क्वालिटेटिव क्रेडिट कंट्रोल मेजर व्हेन एवरी बैंक इज रिक्वायर्ड टू रिटेन अ सर्टेन परसेंटेज ऑफ इट्स टाइम एंड डिमांड लाइबिलिटीज इन कैश विथ आरबीआई। तो दो टर्म्स अभी हमने पढ़ना है, एक तो रेपो रेट, अभी हम रेपो रेट पढ़ के आए हैं। रेपो रेट जो है वो डिटरमाइन करता है आरबीआई, बिल्कुल सही बात है। और रेपो रेट को हम रीपरचेसिंग, अब होता ये है स्टूडेंट कि जब कमर्शियल बैंक लोन लेता है आरबीआई से और जब आरबीआई रेट चार्ज करता है, हम उसको रेपो रेट बोलते हैं। लेकिन कमर्शियल बैंक रेपो रेट के बदले अपनी कोलेट्रल सिक्योरिटीज रखता है, और जब कमर्शियल बैंक लोन वापस कर देता है तो अपने ही सिक्योरिटीज वापस बाय कर लेता है, इसीलिए हम इसको रीपरचेज रेट बोलते हैं। यस, रेपो रेट को हम रीपरचेज रेट बोलते हैं। तो स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। ओके, तो ये है, ये इंजेक्शन ऑफ लिक्विडिटी इन द बैंकिंग सिस्टम। ओके, यहां पर क्यों दिया जाता है? ताकि लिक्विडिटी इंक्रीज हो बैंकिंग सिस्टम में। ओके, मान लीजिए अब कमर्शियल बैंक के पास पैसा कम है तो वो आरबीआई से बोरो करता है, स्टेटमेंट ठीक है। कैश रिजर्व रेशो, कैश रिजर्व रेशो इज ऑल्सो अ क्वांटिटेटिव मेजर्स, रेपो रेट इज ऑल्सो क्वांटिटेटिव मेजर्स एंड रिवर्स कैश रिजर्व रेशो इज ऑल्सो क्वांटिटेटिव एंड रिवर्स रेपो रेट इज ऑल्सो अ क्वांटिटेटिव मेजर ऑफ आरबीआई मॉनेटरी पॉलिसी। अब कैश रिजर्व रेशो की बात करें तो हर एक बैंक को मैंडेटरी है, अगर कोई भी कमर्शियल बैंक है तो उसको मैंडेटरी है कि वो अपने टोटल NDTL नेट डिमांड एंड टाइम लाइबिलिटीज, ओके, जितना भी बैंक के पास डिपॉजिट आता है उसका कुछ परसेंटेज, कुछ परसेंटेज कौन डिसाइड करता है? आरबीआई डिसाइड करता है। आप देखेंगे कि हर बार जो CRR है, SLR है, वो इंक्रीज डिक्रीज होता है। तो ऐसा कैश रिजर्व रेशो वो रेशो होता है जो कि हर कमर्शियल बैंक को अपने NDTL नेट टाइम एंड नेट डिमांड एंड टाइम लाइबिलिटीज का सर्टेन परसेंटेज किसके पास रखना पड़ता है? आरबीआई के पास। ओके, आरबीआई के पास रखना पड़ता है और वो इन द फॉर्म ऑफ कैश रखता है, कोई और फॉर्म में नहीं रखता है, वो ओनली इन द फॉर्म ऑफ कैश रखता है। और आरबीआई इसके बदले में
कमर्शियल बैंक को कुछ इंटरेस्ट नहीं देता है। ये रूल है, ये मैंडेटरी है, हर कमर्शियल बैंक को रखना ही रखना पड़ता है। तो यहाँ पर स्टेटमेंट की बात करें तो क्या स्टेटमेंट बोला जा रहा है, देखिए, तो कैश रिजर्व रेशो इज अ क्वालिटेटिव, नो दिस इज अ क्वांटिटेटिव क्रेडिट कंट्रोल, ओके, वेयर एवरी बैंक इज रिक्वायर्ड टू सर्टेन परसेंटेज ऑफ टाइम एंड डिमांड लायबिलिटीज इन द कैश विथ आरबीआई। स्टेटमेंट मतलब कि मीनिंग सही है, लेकिन ये क्वालिटेटिव नहीं है, क्वांटिटेटिव, इसीलिए स्टेटमेंट क्या हो जाता है, फर्स्ट करेक्ट हो जाता है। ओके स्टूडेंट, समझ आ रहा है, चलिए आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। तो ये स्टेटमेंट है, नेक्स्ट देखेंगे, व्हाट इज द प्राइमरी पर्पस ऑफ स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी दैट इज एसडीएफ इंट्रोड्यूस बाय द आरबीआई। क्या प्राइमरी ऑब्जेक्टिव था कि एसडीएफ को हम इंट्रोड्यूस करके आए और रिसेंटली इंट्रोड्यूस हुआ है। स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी इज डिजाइन टू इंजेक्ट लिक्विडिटी इन द बैंकिंग सिस्टम। द कंसेप्ट ऑफ एस डी एफ वॉज द फर्स्ट रिकमेंडेड बाय द उर्जित पटेल कमेटी इन 2014। द अमेंडमेंट ऑफ सेक्शन 17 ऑफ आर बी आई एक्ट 1934 इन 2018 एम्पावर्ड द आर बी आई टू इंट्रोड्यूस द स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी। ओके, तो अगर हम देखें इसका स्टेटमेंट का क्या होगा, 2 और 3, मतलब कि यहाँ पर इंजेक्ट नहीं करना है, ओके, मनी फ्लो को इंक्रीज नहीं करना है, बल्कि ऑब्जर्व करना है, ओके, इकोनॉमी से जो लिक्विडिटी है, मनी सप्लाई है, उसको कम करना, इसीलिए एसडीएफ को इंट्रोड्यूस किया गया, क्योंकि इन्फ्लेशन था, इन्फ्लेशन में मनी सप्लाई इंक्रीज हो जाता है, उसको कंट्रोल करने के लिए एसडीएफ की यहाँ पर टूल्स को इंट्रोड्यूस किया गया। ये फर्स्ट टाइम उर्जित पटेल कमेटी 2014 में इसको रिकमेंड किया गया था, बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। और ये अमेंडमेंट किस में हुआ, चेंज किस में हुआ, अंडर द सेक्शन 17 ऑफ आरबीआई एक्ट 1934 जो कि 2018 में हुआ था, बिल्कुल सही जवाब है। ओके, तो यहाँ पर विदाउट रिक्वायर्ड, ये विदाउट कोलेट्रल है, याद रखिएगा, रिवर्स रेपो रेट विथ कोलेट्रल था, लेकिन एसडीएफ विदाउट कोलेट्रल है, और इसका रेट भी आपको रेपो रेट या फिर बैंक रेट की तरह ही दिखेगा आपको, राइट, ये है। चलिए नेक्स्ट स्टेटमेंट देखेंगे स्टूडेंट, When was the RBI typically sell government securities through open market operation? Open market operation is a quantitative tools of monetary policy. मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी, माफ़ कीजिएगा, ओपन मार्केट ऑपरेशन क्वांटिटेटिव टूल्स है, जहाँ पर गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ को बाय और सेल किया जाता है, किसके द्वारा, आरबीआई ऑन द बिहाफ ऑफ गवर्नमेंट। ये क्यों किया जाता है, ड्यूरिंग अ पीरियड ऑफ इन्फ्लेशन, ड्यूरिंग अ पीरियड ऑफ इकॉनमी स्लो डाउन, ड्यूरिंग द एक्सेस लिक्विडिटी इन द बैंकिंग सिस्टम, और बोथ ए एंड सी, सेल पूछा है। ओके, तो दो चीज़ होती हैं, या तो परचेज करेंगे, परचेज मतलब बाय करेंगे, और या तो सेल करेंगे। अब इसको समझिएगा क्या होता है, इसमें बच्चों को बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन होता है। बाय गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़, ओके, बाय, अगर हम गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ को बाय करते हैं, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ को, ओके, जी सेक्स बोलते हैं, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ बाय करते हैं, अगर बाय किया पब्लिक से ही बाय करेंगे, राइट, पब्लिक से बाय करेंगे, तो जो सर्टिफिकेट था वो गवर्नमेंट के पास आ गया, और उसके बदले में गवर्नमेंट ने उनको मनी दे दिया, ओके, सर्टिफिकेट वापस और मनी लोगों को दे दिया, जिससे मनी सप्लाई इंक्रीज होगा, तो बाय तो नहीं करेंगे, सेल क्यों करते हैं, सेल करेंगे तो मान लो सेल किया, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ पब्लिक को दे दिया और उसके बदले में, ओके, उसके बदले में पैसा ले लिया, मनी ले लिया, किससे, पब्लिक से ले लिया, जिससे मनी सप्लाई क्या हो जाएगा, कंट्रोल हो जाएगा। तो अगर बाय करते हैं तो मनी सप्लाई इंक्रीज हो जाता है, और जब सेल करते हैं तो मनी सप्लाई कम हो जाता है, याद रखिएगा, ओके, ये सर्कल आपको पता होना चाहिए। फिर से देखिए, अगर गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ बाय करते हैं, बाय मतलब कि पब्लिक से बाय किया गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ और उसके बदले में मनी दे दिया, जिससे मनी सप्लाई इंक्रीज हो गई, तो मनी सप्लाई इंक्रीज नहीं, इन्फ्लेशन में ऑलरेडी मनी सप्लाई ज़्यादा है, तो उसको कंट्रोल करना है, राइट, और सेल जब करती हैं तो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ पब्लिक को दे देती हैं और उसके बदले में पब्लिक से पैसा ले लेती हैं, जिससे मनी सप्लाई कम हो जाता है। ओके, तो यहाँ पर अगर बात करें तो इन्फ्लेशन है, ओके, गवर्नमेंट सेल, अच्छा, सेल कब करती हैं, जब इकोनॉमी में इन्फ्लेशन होगा,
ओके स्टेटमेंट सही है। और जब एक्सेस लिक्विडिटी इकोनॉमी में लिक्विडिटी मतलब कि लोगों के पास कैश इन हैंड बहुत ज़्यादा है उसको कंट्रोल करने के लिए तो स्टेटमेंट क्या हो जाएगा ए एंड सी राइट। ये अगर इकोनॉमी स्लो डाउन है तो क्या करेंगे कमेंट सेक्शन में आंसर दीजिएगा ठीक है। तो बी ए और सी आंसर करेक्ट है। सेल कब करेंगी जब इकोनॉमी में इन्फ्लेशन होगा जब लिक्विडिटी होंगी राइट। ये था चलिए ओके। तो स्टूडेंट आज की क्लास में हमने मॉनेटरी पॉलिसी के कुछ क्वेश्चंस देखे। होप आप सभी को ये सारे क्वेश्चंस सही लगे होंगे। नेक्स्ट क्लास में और भी मैं क्वेश्चंस लेके आऊँगी। इसी के साथ हम स्कीम्स को भी कवर कर रहे हैं, स्कीम्स भी देखेंगे और बहुत सारे इकोनॉमिक्स के लेक्चर है जो कि आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा। नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे नए क्वेश्चन के साथ। आप सभी का धन्यवाद। थैंक यू।